नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का यह खास कार्यक्रम देख रहे हैं। बुंदेलखंड में 26 सीटें हैं और कांग्रेस ने बुंदेलखंड की कई सीटों में अपने नामों का ऐलान कर दिया है। अब छतरपुर, टीकमगढ़ जिला, सागर जिला, कई टिकटों की उसने सूची जारी की है। दमोह में सूची जारी की है, पन्ना से सूची जारी की है। हालांकि कुछ नाम रह गए, लेकिन कांग्रेस का गलत क्या है बुंदेलखंड में, इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करें। क्योंकि बड़ा मलहरा से उसने प्रद्युम्न सिंह लोधी के खिलाफ लोधी चेहरा उतारा है, रामसिया भारती को, साथ ही चरण सिंह को बिजावर से टिकट दे दिया, चरण सिंह यादव को। हालांकि यहां भुवन विक्रम सिंह जो है टिकट मांग रहे थे बिजावर से, उनके ननिहाल में जो उनके नाना जी हैं वो भी यहाँ से भाजपा के विधायक रहे, उनके पिता कद्दावर यहाँ से नेता रहे, खुद भुवन विक्रम सिंह बिजावर से लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये टिकट बदला है। क्या जाति समीकरण होगा पूरे बुंदेलखंड की इन सीटों पर, तो क्या कांग्रेस यहाँ वन स्टेप आगे बढ़ पाएगी भाजपा से, इस रिपोर्ट में देखें। क्योंकि इस वक्त शायद जो भारतीय जनता पार्टी बगावत के दौरों से गुजरी है, उसी दौर में अगर कांग्रेस की भंवर फंस गई तो बुंदेलखंड मुश्किलों का सकता है। हमारे साथ सागर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आखिरकार अपनी एक बड़ी सूची 144 प्रत्याशी जिसमें शामिल है जारी कर दी है। बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में कैसे कई धुरंधरों को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है, जहां वो जातिगत आंकड़े साधती दिखी है। ओबीसी के बड़े वोट बैंक लोधी और यादव के साथ ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतार कर ओबीसी और सामान वोट को साधती दिखी है। हालांकि दोनों पार्टियों ने कुशवाहा पटेल चेहरे को बुंदेलखंड में अनदेखा किया है। अगर हम सागर जिले की बात करें तो यहाँ कांग्रेस ने सुर्खी से नीरज शर्मा, देवरी से हर्ष यादव, बंडा से तलवर सिंह लोधी और नरियावली से सुरेंद्र चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वही छतरपुर जिले से राजनगर से विक्रम सिंह नाती राजा, छतरपुर सदर से आलोक चतुर्वेदी, बिजावर से चरण सिंह यादव जो बड़ा मलहरा से टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें बिजावर से टिकट दिया गया है। यहाँ भुवन विक्रम सिंह जो टिकट की दौड़ में थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। वही बड़ा मलहरा से रामसिया भारती को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि चंदला से हरप्रसाद अनुरागी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि महाराजपुर से जो विधायक नीरज दीक्षित हैं उन पर ही कांग्रेस ने अपना विश्वास जताया है। टीकमगढ़ जिले से टीकमगढ़ से यादविंद सिंह, खरगापुर विधानसभा से चंदा कौर, चेतारा से किरण अहिरवाल और पृथ्वीपुर से नितेन सिंह राठौर, जबकि निवाड़ी सीट पर कांग्रेस ने कोई टिकट घोषित नहीं किया है। उसकी वजह यह मानी जा रही है कहीं सपा और कांग्रेस के गठबंधन से यह सीट सपा के खाते में न चली जाए। वही दमोह जिले की दमोह सीट को छोड़कर कांग्रेस से हटा, जबेरा और पथरिया से टिकट घोषित कर दिए गए हैं, जहाँ हटा से प्रदीप खटी, जबेरा से प्रताप लोधी तो पथरिया से ब्रजेंद्र लोधी को टिकट देकर इस जिले की लोधी वोटर को अपनी ओर जबरदस्त आकर्षित करने का कांग्रेस ने प्रयास किया है। वही पन्ना जिले की पवई से मुकेश नायक को विरोध होने के बाद भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और गुनौर से जीवनलाल सिद्धार्थ को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इस लिहाज से सागर की 4 सीटों पर अभी घोषणा बाकी है, छतरपुर से 1, पन्ना सीट पर 1 सीट पर घोषणा बाकी है, जबकि दमोह निवाड़ी सीट पर कांग्रेस को उम्मीदवार तय करना बाकी है। यह कमलनाथ के वो हीरे हैं जिन पर कमलनाथ और कांग्रेस ने भरोसा जताया। देखना है यह प्रत्याशी अपने नेता और पार्टी के लिए क्या कमाल दिखा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा, पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविन्द्र भवन, बस स्टैंड, सागर।